खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान की शानदार विजय के उपलक्ष्य में आज जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर 49वां विजय दिवस मनाया गया। नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशोक अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त सैनिक महेंद्र पाल सिंह, रुद्र दत्त राजन सिंह, जितेंद्र सिंह चौहान, श्याम नाथ पांडे, विजय कुमार श्रीवास्तव, अजय सिंह, राकेश बाबू आदि ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। सर, क्या आयोजन था और कितने सैनिकों ने? आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो जनपद के जो शहीद सैनिक थे जिनकी संख्या 6 थी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर हमारे जितने भी जनपद के भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, उनके अध्यक्ष तथा वो लोग भी उपस्थित रहे, सभी के द्वारा उनको श्रद्धापूर्वक सुमन अर्पित किए गए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं और नमन करते हैं। पाकिस्तान की लड़ाई में विजय हासिल की थी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो पूर्वी सेना के कमांडर थे भारत के, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तब से आज तक हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं और उसी संदर्भ में आज जिले के समस्त पूर्व सैनिकों ने यहां पर हमारे जो रणबांकुरे वीर शहीद हुए हैं जिले के, उनको नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करीब 100 पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हैं, वीर नानियाँ भी आई हुई हैं और हाँ जी, शहादत 10 लोगों ने दी थी 1971 में हमारे जिले के। वैसे तो टोटल 3900 शहीद हुए थे भारत पाक युद्ध में 1971 में, जिसमें से 10 जो है शहीद हमारे जनपद के। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।